हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बनाएंगे हम वुलन डोरमेट। तो डोरमेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर ले लिए हैं। ये हमारा मटीला कलर है और ये हमारा मैरून कलर है। इन दोनों कलरों से इस डोरमेट को बनाएंगे। और 9 नंबर की हमने यहाँ पर सिलाई ली है। तो डोरमेट बनाने के लिए थोड़ी मोटी ऊन का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा बन के आता है। इसलिए हमने यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी पतली ऊन है तो इसको हमने डबल कर लिया है और ये हमारी बेबी वूल है। तो दोनों हमारी मोटी हैं, इसलिए हमने 9 नंबर की सिलाई को यहाँ पे लिया है बनाने के लिए। तो इसको हमने थोड़ा सा बना लिया है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पत्ते हम बना चुके हैं, एक पत्ती बाकी है बनाना। तो इसको हमने एक बार दो दो सिलाई से बनाया है। देखिएगा, एक बार हमने एक एक सिलाई से बनाया है। बनाना सेम है, जैसे हम दो सिलाई से बनाएंगे उसको दो बार बनाएंगे, और जो हम एक सिलाई से बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक सिलाई से बनाया है, तो इसको एक बार बनाना है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम 9 नंबर की सिलाई में देखिएगा फंदा डाली है। स्टार्टिंग से ही हम आपको बनाना बताएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे से इसको हम बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से फंदे डाल लीजिएगा। बड़ा बनाना चाहें तो ज़्यादा फंदे डाल लीजिएगा, और छोटा बनाना चाहें तो कम फंदे। देखिएगा, पहला फंदा तो आएंगे धागे को अपनी तरफ के, यहाँ पे सभी फंदों को ये उल्टा उल्टा बनाएंगे, ये इस तरीके से। यहाँ पे बना लिया उल्टा उल्टा। अब एक दो दो फंदे हम लास्ट के बिगर बुने छोड़ देंगे, और यहाँ से सिलाई को भी पलट लेंगे और धागे को भी। और जो बनाए हुए फंदे हैं, इन फंदों को अब हम उल्टे तरफ से कलर चेंज करेंगे। ये मैरून कलर को यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। तो उल्टे तरफ से सभी फंदों को ये मैरून कलर से हम बना लेते हैं। उल्टे तरफ से हमने मैरून कलर से पूरा इसको बना लिया है। अब सीधे तरफ आ गए हैं, तो सीधे तरफ से इसको पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पे ये बनाएंगे उल्टा उल्टा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ फंदे को उतार के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना। पहले फंदे को उतारेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ करके सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, और बाकी फंदों को उल्टा बनाएंगे। ठीक है, लास्ट के दो फंदे बिगर बुने छोड़ देंगे, फिर से हर सीधे तरफ से और यहीं से वापस हो जाएंगे। वापस में जो बनाए हुए फंदे हैं उन फंदों को हम बनाएंगे। तो देखिएगा, अब हम दो दो सिलाई बनाएंगे, तो इसलिए हम इसी कलर से, एक सिलाई हमारी बन चुकी है सीधे तरफ से, तो एक सिलाई और बाकी है बनाना। तो इसी तरीके से हम बना लेते हैं, सारा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे हम इसमें भी बिगर बुने छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हमने देखिएगा दो सिलाई बनाई है मैरून कलर से, एक दो। यहाँ पे हमने दो बार फंदे छोड़े हैं, दो, चार, चार फंदे छोड़ लिए। अब जो हमारा मटीला कलर है इससे बनाएंगे, तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ये उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे। और दो फंदे यहाँ पे बिगर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। वापस से जो बनाए हुए फंदे हैं बना लेंगे इसी कलर से। तो इसी तरीके से हम चार चार फंदे छोड़ लेते हैं एक एक कलर से, दो दो करके। तो दो बार में छोड़ेंगे तो चार फंदे हमारे छोड़ जाएंगे। तो छोड़ लेते हैं, आगे आपको फिर दिखाते हैं। सभी फंदों को बना लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे सभी फंदे देखिएगा बन चुके हैं, दो दो करके हमने इन फंदों को बना दिया है। अब हम ये मैरून वाले कलर को बनाएंगे यहाँ पे। इस तरह
तरीके से बना लिया इसको। अब सीधे तरफ आ गए हैं, पहला फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे बनाए, और जो दो फंदे हमारे ये छोड़े हुए थे यहाँ पे देखिएगा, इनको भी बना लेंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। दो दो करके हमने छोड़े थे बिगर बुने, और दो दो करके ही हम इन फंदों को यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। ये बनाया, एक सिलाई हो चुकी, अब फिर से दूसरी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, ये यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाया, इस तरीके से। यहाँ गैप आ रहा है तो यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे इस तरीके से, और दूसरे फंदे के साथ लेके इस तरीके से बना देंगे दो फंदों को एक साथ, क्योंकि उठाया हुआ फंदा है, इसको हम साथ के साथ यहीं पे कम कर देंगे। अगर इसको एक साथ दो में नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब इसको दूसरे, अब हमारी दो सिलाई हो चुकी हैं, देखिएगा एक दो, और दोनों फंदे बन गए हैं मैरून के। अब जो हमारे दूसरा कलर है उल्टे तरफ से इसको बनाएंगे, यहाँ पे ये बनाया इसको, इस तरीके से। बनाए हुए फंदे बनाए हमने, अब यहाँ से फिर से फंदा उठाएंगे और दूसरे फंदे के साथ इस फंदे को यहीं पे कम कर देंगे। छोड़े हुए फंदे हमारे देखिए एक और ये दूसरा बना लिए, और यहीं से वापस हो जाएंगे। अब इसी कलर से बनाएंगे, क्योंकि अभी दो फंदे हमारे इसी कलर के हैं और एक सिलाई और है बाकी बनाने। इस तरीके से देखिए एक सिलाई बन चुकी है, जैसे यहाँ पे दो सिलाई हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी बनाना है। जैसे जैसे छोड़ते हैं फंदों को वैसे वैसे ही बनाते हैं। इन फंदों को यहाँ पे बना लिया, बनाए हैं उनको। अब देखिएगा दो फंदे हैं ये हमारे, जो बिगर बुने हमने छोड़े थे उनको दूसरी सिलाई में इनको भी बना लेते हैं। ये फंदा हमने यहाँ पर उठा लिया है इस वाले फंदे को, और एक फंदा बिगर बुने में से लिया और इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, दूसरे फंदे को बनाया। अब ये हमारी यहाँ पे दो सिलाई पूरी हो गई हैं, इधर भी दो सिलाई हैं। अब मैरून कलर को बनाएंगे यहाँ पे हम, ये बनाया मैरून को। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम सभी फंदों को बना लेते हैं, जैसे दो दो छोड़े थे दो दो करके ही बनाएंगे। तो बना लेते हैं, आगे आपको फिर दिखाएंगे। हमारे देखिएगा सभी फंदे बन चुके हैं, दो फंदे यहाँ पर रह गए हैं बिगर बनाए, जो हमने दो दो करके छोड़े थे ये वाले रह गए हैं। अब इनको भी बना लेते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, सभी फंदों को यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे उल्टा उल्टा, ये इस तरीके से। ये बना लिया। अब जो दो फंदे हमने बिगर बुने छोड़े थे तो यहाँ पे हम फंदा उठाएंगे, जिससे हमारा गैप भर जाएगा फंदा उठाने से, और दो फंदों को एक साथ बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब ये एक फंदा बचा, इसको भी बना लें। अब सभी फंदे हमारे बन गए हैं, तो देखिएगा इधर हमारी दो लाइन है, तो हमें इधर भी दो बनानी है। इसको उल्टे तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे, और जब सीधे तरफ आएंगे तब हम फंदों को बंद कर देंगे। इस तरीके से बना लेते हैं उल्टे तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसको बंद करना बाकी है। इस तरीके से देखिएगा सभी फंदे हमारे बन चुके हैं।
अब इस तरीके से आए गए। तो यहाँ पे हम दूसरी सिलाई को इस तरीके से बनाएंगे, दो फंदों को एक साथ बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और एक फंदा बचेगा इसको सिलाई में डालेंगे, फिर से दूसरे फंदे के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी फंदे बंद हो जाएंगे और जो दूसरी सिलाई है हमारी वो भी हमारी यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो जाएगी इस तरीके से, देखिएगा। इस तरीके से ये हम बना लेते हैं, हमारे सभी फंदे यहाँ पे क्या बंद हो चुके हैं। ज़्यादा टाइट हाथ से भी बंद करना नहीं है, ना ही ढीले से, तो इस तरीके से बिल्कुल देखिएगा अच्छे से बन के आएगा, ना ही झोला रहा है ना ही इसमें खिंचाव है। अब दो फंदे बचे हैं तो इन दोनों फंदों को यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। अब बचा एक फंदा, इस एक फंदे को हम इस तरीके से खींच के धागे को कट करेंगे। तो सुई में हमारा एक धागा ही डलेगा, तो एक धागे को थोड़ा छोटा काटेंगे और एक को इतना बड़ा काटेंगे जिससे हम इसको सिल सकें। सुई में धागा यहाँ पे इस तरीके से देखिए काट लिया है। अब इसके अंदर से दोनों धागों को निकालेंगे, निकाल दिया, अब यहाँ पे हो गया ये बंद। और जो हमारा ये वाला धागा है मेहरून वाला, इसको भी हम कट कर देंगे, यहाँ पर कट कर दिया। अब सभी को हमने कट कर दिया है, इसको हम सिल लेंगे, सुई में डाल लेते हैं धागे को। देखो सुई में डाल लिया है, अब इसको पलट लेंगे यहाँ पे उल्टे तरफ से सिलेंगे। तो इस वाले देखिए कोने को हम लेंगे और यहाँ पे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था इस वाले कोने में से निकालेंगे सुई को, ये इस तरीके से दोनों साइड से सिलते हुए जाएंगे इसको हम। ये हमारे यहाँ पे सिल चुका है, तो दोनों फंदों में नॉट लगा के धागों में, और ये हम कट कर लेंगे इसको। तो ये हमारा छह पत्ती वाला यहाँ पे डोरमेट बन के रेडी हो चुका है। तो देखिएगा हमने एक पत्ती सिंगल लाइन की बनाई है और एक पत्ती डबल लाइन की, तो ये हमारे यहाँ पे डबल की है, सिंगल की है, डबल की है, इस तरीके से बनाते हुए इसको हमने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर हम बीच में पॉम पॉम इस तरीके से लगा सकते हैं, आप जो आपको कलर पसंद हो आप इसी कलर में से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे सुई से इस पॉम पॉम को हम लगा देंगे, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से बनके कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।